आपने अमेरिका के प्लेनी बिंगो की बैकवर्ड यात्रा के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखा गया था। लेकिन आज हम आपको मिलाएंगे भारत के फर्स्ट इंडियन बैकवर्ड वॉकर से, जो डोंगरगढ़ से अयोध्या तक उल्टी पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे संवाददाता राघविंद्र पांडे की ओर और जानते हैं क्या है पूरी कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका सौरमे टाइम्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो डोंगरगढ़ से अयोध्या पैदल यात्रा करते हुए जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहुल लखानी जी की। तो आइए सीधा चलते हैं उनके पास और बात करते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। तो मेहुल लखानी जी, आप डोंगरगढ़ से अयोध्या जा रहे हैं पैदल यात्रा करते हुए, क्या इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है? पहले तो आप मुझे फर्स्ट इंडियन बैकवर्ड वॉकर बोलेंगे तो अच्छा है, या बैकवर्ड वॉकर मेहुल, क्योंकि मैं भारत का पहला व्यक्ति जो इस प्रकार से पीछे की ओर चलते हुए बैकवर्ड करते हुए यात्रा कर रहा हूँ। तो मैं अभी 22 तारीख को डोंगरगढ़ से निकला हूँ अयोध्या जाने के लिए। अयोध्या से फिर पूरे भारत के जो राज्य हैं वहाँ की यात्रा में ऐसे बैकवर्ड चलते हुए करने वाला हूँ। और यही है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, वो अच्छा जीवन व्यतीत करें हमारे देश के लोग, इस कारण से मैं चल रहा हूँ। और इसी कारण इसी कड़ी में 22 तारीख को मैंने स्टार्ट किया था। अभी जस्ट रायपुर पहुंचा, राष्ट्रपति रायपुर में सभी लोगों जैसे मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल जी से सबसे समय लेकर मिलने के बाद, जो लीगल प्रोसीजर डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद फिर मैं अयोध्या की ओर बढ़ूंगा। अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के बाद, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा देश राममय हुआ है, तो बेसिक सी बात है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो दर्शन है वो बनता है। और जो अभी तक मेरे जो 111 किलोमीटर की यात्रा हुई वो उनके चरणों में समर्पित है। अभी उसके बाद फिर आगे की अन्य यात्रा में देश के अन्य अन्य भागों में करूंगा। और यही है कि हमारे देश को एक अनूठा गौरव मुझे दिलाना था, क्योंकि आज तक इस प्रकार का प्रयास इस देश में किसी ने नहीं किया है। और चूंकि बेसिक सी बात है, हम चलते सीधा है, देखते सीधा है, लेकिन काम उल्टे करते हैं। हम देखते बहुत सारे हमारे देश में, पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे काम होते। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब देखते सीधा है, चलते सीधा है, तो काम भी सीधा करिए। इस कारण से लोगों को कदमों से पीछे उल्टा चलाना, लेकिन काम लोगों के सीधे करने होने चाहिए, ऐसा अनुरोध करना है। क्योंकि उल्टे चलने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हम देखते हैं अगर हम 1000 कदम सीधा चले और उसी को 100 कदम पीछे चले तो उतना ही बेनिफिट है, एकाग्रता आती है, है ना, हमारी जो लत रहती है वो छूटती है। इस कारण से हमारे पूर्वजी लोग कहते हैं कि भाई हमेशा हमको थोड़ा बहुत उल्टा भी चलने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं पूरे राष्ट्र को यही आह्वान करना चाहूँगा कि सब कुछ सीधा सीधा करें, लेकिन अपने कदमों को थोड़ा सा उल्टा भी करें। लेकिन अनुरोध इतना है कि ऐसे स्थान पर उल्टा चले जहाँ स्थान सुरक्षित हो, जहाँ पार्क हो, गार्डन हो, मैदान हो, क्योंकि बेसिक सी बात है आप पहली बार ट्राई करेंगे और केवल आपको स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें ही करनी, इस कारण से आप पार्क वगैरह में ये सब चीज़ें करें। आप डोंगरगढ़ से अयोध्या जा रहे हैं सबसे पहले जी, इसके बाद और भी कहीं जाएंगे कि सिर्फ डोंगरगढ़ से अयोध्या में आपकी यात्रा खत्म हो जाएगी? पहली बात तो ये है कि बैकवर्ड आज से पहले 91 साल पहले अमेरिका के एक व्यक्ति ने, प्लेनी बिंगो करके एक व्यक्ति था, उसने ऐसी बैकवर्ड चलते हुए 1931 से 32 के दौरान लगभग 1.5 साल में 13,000 किलोमीटर की यात्रा अमेरिका समेत आसपास के अन्य देशों की थी। तो उसको एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। आप जानते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है, और उसके साथ साथ में उसके नाम से बहुत सारी पुस्तकें आई हुई है, उनके नाम से मूवी बनी हुई है, उनको एक स्पेशल पर्सनैलिटी का दर्जा दिया गया। तो 91 साल होने के बाद भी विश्व का कोई भी व्यक्ति इस काम को नहीं कर पाया है। तो भारत को वो गौरव दिलाने के लिए कि कोई नहीं कर पाया, वो भारत का एक व्यक्ति कर रहा है। और भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ वो एक उपलब्धि दिलाएगा कि भाई एक व्यक्ति ने 91 साल पहले अमेरिका के किया था, अब भारत का एक व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय चेतना जगानी है, जो राष्ट्र के जो मुद्दे हैं हमारे बहुत सारे, उस पर फोकस करना है। क्योंकि बेसिक सी बात है, जब निकलेंगे तो अपनी बातें रखेंगे, अपनी जानकारी देंगे, तो हमारे देश को आत्मसात करना है, अनुभव करना है, राष्ट्रबंधन करना है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय चेतना जगानी, जहाँ जहाँ जिस स्तर पर हो सके उतना राष्ट्रीय स्तर जगाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पर भी तिरंगा है, पीछे भी तिरंगा है, मेरे मोबाइल में भी तिरंगा है। मेरा मानना यह है कि जितना हमारे देश के सैनिक, देखिए आप देखेंगे मेरे सर पे कैप है, वो आर्मी की है, तो सबसे ज़्यादा मैं सम्मान हमारे देश में आर्मी की करता हूँ, उसके बाद किसानों की करता हूँ। तो हम देखते हैं कि हमारे जो सैनिक है वो जितना मान सम्मान हमारे राष्ट्रीय ध्वज का करते हैं, क्योंकि वो इसके लिए सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहते हैं, उतना हमारे देश के युवाओं में, हमारे देश के लोगों में इसके प्रति इतनी निष्ठा नहीं है। क्योंकि कल भगवान, हम परिस्थिति ये नहीं बोलते कि वैसी परिस्थितियों कारण, लेकिन इसराइल में जैसी चीज़ें हुई कि भाई उन्हें एक बार आह्वान किया लोगों को भी आप मदद करो, तो सब के सब शामिल हो गए, चाहे लड़का हो लड़की हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे देश के लोगों में भी ये निष्ठा हो कि एक आह्वान करे तो राष्ट्र के लिए सबको समर्पित करने को तैयार हो।
जैसे कि हम देखते हैं हमारे सैनिक तो हमारे देश में जो उपयोग की चीज़ें उनका उपयोग भी नहीं करते कि भाई हम दशहरा है तो रावण जलाने चले गए हैं, मैच आ रहा है तो स्टेडियम में मैच देखने चले गए। वो तो बेचारे अलग अलग विषम परिस्थिति में रहते, लेकिन फिर भी राष्ट्र के प्रति उनका जो तिरंगे झंडे के प्रति उनका जो निष्ठा है वो देखने को। तो भाई ये हमारे जो ये देखिए मेरे मोबाइल में भी हमने लगा के रखा हुआ है, तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको सर्वोच्च सम्मान दिलाना है लोगों के मन में। बेसिक सी बात है, अगर हम राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं तो सर्वोच्च स्थान उनको मिलना चाहिए। इस कारण से मैं लोगों से यही आह्वान करता हूँ कि आप तिरंगे झंडे को वो मान सम्मान दीजिए। हालांकि वर्तमान में अगर आप गौर करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उससे सिमिलर झंडे से हमने तिरंगे झंडे से दिखाई देती है। इस कारण से लोग वही वही चीज़ों को यहाँ वहाँ पड़ा हुआ देखते तो इंसान ऐसा हो जाता है ना, धीरे धीरे मन में वो हो जाता है। जैसे कि मैं अभी रास्ते में से आ रहा था तो एक व्यक्ति परिवार के साथ जा रहा था, मेरे शरीर या किसी भी भाव से ऐसा लगता है मैं किसी पार्टी का हूँ, लेकिन उसने कहा कि अरे यार छत्तीसगढ़ में तो ये पार्टी हार गई, जबकि मैं किसी पार्टी का आप देखेंगे कहीं से कोई लेसन नहीं। ऐसी जब मैंने इसके पहले साइकिल से यात्रा की थी 46,000 किलोमीटर की 27 महीने से, तो लोग मुझे यही कहते थे कि तुम इस जोड़ो यात्रा पे उस जोड़ो यात्रा पे निकले, तो भैया मैं कहाँ से निकला हूँ। तो राष्ट्रीय ध्वज केवल राष्ट्र का होना चाहिए, किसी व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। मेरा किसी पार्टी से किसी व्यक्ति से किसी समुदाय से कोई समस्या नहीं है, मेरे किसी द्वेष नहीं है, लेकिन जो राष्ट्र के जो चीज़ें हैं उनको जो सम्मान सर्वोच्च मिलना चाहिए मेरे वही प्राथमिकता है। तो आप सब मीडिया भाई लोग के माध्यम से मैं जितने हमारे बुद्धिजीवी है एक प्रमुख विषय में यही रखना चाहता हूँ कि वास्तविक रूप में हमारा तिरंगा झंडा जो स्वरूप है जो रंग है वो केवल राष्ट्रीय झंडे का ही उपयोग होना चाहिए। इस पर एक गहन लंबी चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मैं अगर बोलूँ राष्ट्रीय चेतना के लिए निकला हूँ और जो हमारा प्रमुख चीज़ है राष्ट्रीय ध्वज, अगर राष्ट्र की बात करें उसकी बात ना करें तो फिर वो नहीं हो जाता। इस कारण से जो प्रमुख है हमारा राष्ट्रीय ध्वज उनको सर्वोच्च स्थान दिलाना है। हमारे देश के जितने बुद्धिजीवी जिन लोग उस पर चर्चा शुरू करें, क्योंकि हम इसराइल और गाज़ा की बात करते हैं, हम रूस और यूक्रेन की बात करते हैं, लंबी लंबी चर्चा, लेकिन हमारे देश की जो मूल समस्याएं हैं उस पर हम चर्चा नहीं करते, उस पर निर्णय लेने की कोशिश नहीं करते। तो मैं इस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, तो राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम चलाने वाला हूँ, सर्वोच्च सम्मान हमारे तिरंगा को मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे जितना संभव हो सकता उतना मैं करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं बैग चल ही रहा हूं, लेकिन अलग अलग जो विधानसभा है उस पर भी अगर मैं बात रखने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं बाहर मैं मूक प्रदर्शन भी करूंगा। अगर अभी समय हो तो मैं विधानसभा में भी जाऊंगा, वहां बाहर बैठ के अपनी बातें रखूंगा कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको मान सम्मान दीजिए। ये बात चर्चा का विषय है, बहुत लंबी चर्चा इस पर होनी चाहिए और आखिरकार निर्णय निकालना चाहिए। आप समझ ही गए होंगे मैं किस विषय की बात कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज का जो स्वरूप है जो रंग है वो केवल राष्ट्रीय ध्वज का होना चाहिए और किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने जब रास्ते में चलते चलते उसी रंगे के चीज़ों को यहाँ वहाँ बिखरा उखरा आलतू फालतू चीज़ों में देखा तो मेरा मन बहुत दुखा हुआ। तो इस कारण से जो सर्वोच्च स्थान राष्ट्रीय ध्वज को मिलना चाहिए वो मैं दिलाना चाहता हूँ, और इस कारण से मैं राष्ट्रीय मुहिम पर निकला हूँ, राष्ट्रीय चेतना पर निकला हूँ और ऐसा अद्वितीय काम कर रहा हूँ राष्ट्र के लिए कि आज तक किसी ने नहीं किया। तो आप सभी देशवासियों में चाहूँगा कि इस पर आप भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करिए कि वास्तविक रूप में ये होना चाहिए। और दूसरी बात है कि सपोर्ट करिए, बेसिक सी बात है, कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व निछावर करके निकला हुआ है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि करे, क्योंकि आपने आलतू फालतू ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा समर्थन सहयोग किया होगा। आज पहला मौका है कि सच्चे चीज़ों को समर्थन करना है, सहयोग करना है। धन्यवाद। तो मेरे को एक जवाब चाहिए था आपसे, आप कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो राष्ट्रीय ध्वज का जो रंग है वो सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज में होना चाहिए, पार्टियों के जो झंडे हैं बाकी जो और तरह के झंडे निकाले जाते हैं उनमें उन तरह के रंगों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो राष्ट्रीय ध्वज से मिलते जुलते हैं। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप है तीन रंग है, क्योंकि हम लोग आमतौर पर राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं लेकिन नॉर्मल लोग तिरंगे के रूप में जानते हैं। तिरंगा मतलब जो तीन रंग है हमारे भारत का, केसरिया है, सफ़ेद और हरा है, ठीक है। तो क्या है कि उसमें से अगर आप अशोक चक्र हटा दें तो इसका मतलब आपको इस चीज़ की आज़ादी नहीं मिल जाती कि आप उस तीन रंगों को किसी भी तरीके से उपयोग करो। फिर आप जानते हैं उपयोग होने के बाद उसकी स्थिति क्या होती है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी पार्टी वार्टी वो आप जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, मेरा बस यही उद्देश्य है कि मेरे को मेरे राष्ट्रीय ध्वज का को सर्वोच्च स्थान दिलाना है। जैसे कि हमारे सैनिक जानते हैं मेरा समर्थन सबसे पहले हमारे देश के सैनिक करेंगे, वो हमेशा करते हैं। इसके पहले जब मैं साइकिल से यात्रा किया तब भी उन्होंने मेरा समर्थन सहयोग किया बहुत ज़्यादा, इस कारण से मैंने उनको अपने सर पर धारण किया हुआ है। बस यही है, चर्चा का विषय है, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, बस चर्चा का विषय है कि भाई वैसी सी बात है, हमारे देश के युवा हमारे देश के लोग जब उसी रंग की चीज़ों को देखते हैं तो वही देख के लोग के मन में सम्मान कम हो जाता है। आज अगर आप किसी युवा को जाके कह दो, बहन है या भाई है लड़का लड़की है, कि भाई आपको राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देना है, वो पीछे हट जाएंगे, नहीं मैं नहीं दूंगा। तो भाई ये होना चाहिए कि जब भी मौका आए तभी तो हम शक्तिशाली और सबसे मजबूत राष्ट्र बनेंगे। वो एक छोटा सा राष्ट्र इजराइल पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है धीरे धीरे, अमेरिका के बाद और बाकी सब चीज़ें, लेकिन फिर भी कोई भी देश उनको वो नहीं कर सकता।
नजरें गलत नहीं दिखा सकता। हम तो बहुत बड़े राष्ट्र है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है, तो हमको भी इस विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से कोई चीज़ करो, आप चर्चा निकालो कि वास्तविक रूप में ये संभव है और आपका ध्यान गया हो नहीं गया हो, क्योंकि मैं राष्ट्र से जुड़ा हूँ, मेरा तन मन धन सब कुछ राष्ट्र के प्रति समर्पित है। और इस कारण से मेरा जो पहला मेरा जो व्यू आया सामने निकल कर कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि जो सबसे प्रमुख हम अगर भारत की बात करते तो भारत माता का हमारे जहन में आता है, अगर भारत की बात करते तो उसके बाद आता है राष्ट्रीय ध्वज, उसके बाद जो हमारे भारत का जो स्वरूप है, हम भारत का जो नक्शा देखते वो, तो स्वाभाविक सी बात है इन चीज़ों के साथ किसी भी प्रकार से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप राष्ट्रीय ध्वज का किसी प्रकार से अगर कोई अपमान करता है तो राजद्रोह राष्ट्रद्रोह का केस लगता है। तो ये अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो बेसिक सी बात है इस पर एक गहन लंबी चर्चा बातचीत विवाद विचार विमर्श करना चाहिए। जो हमारे जो बुद्धिजीवी है जो सोशल मीडिया में या न्यूज़ में बैठते घंटों घंटों बातचीत करते हैं, सब लोग चौक चौराहे पर बातचीत करते हैं, हमारे टीचर है हमारे वकील है, सब लोग को ये बात करनी होगी कि वास्तविक रूप में हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज का जो मान सम्मान, अभी मोदी जी ने जो हर घर तिरंगा निकाला तब जाके लोगों को थोड़ा सा लगा कि नहीं तो हम केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अपना झंडा उठाते थे और फोटो खिंचाते थे वीडियो बनाते थे बस हो गया। अभी मोदी जी आए तब से उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज को मान सम्मान दिलाना शुरू किया, हर घर तिरंगा मुहिम स्टार्ट की। तो ऐसी मुहिम निरंतर चलनी चाहिए, हमको कोई बताया नहीं कि भाई आप राष्ट्र का सम्मान करो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करो, ये हमारे मन में होना चाहिए। इस कारण से जिस प्रकार से हमारे सैनिक करते हैं उसी प्रकार से हमको भी इस मान सम्मान इसका करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मेहुल लखानी जी, जिनका कहना है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए और उसी के सम्मान को जगाने के लिए वो डोंगरगढ़ से अयोध्या तक उल्टी पैदल यात्रा करते हुए जा रहे हैं। कैमरामैन दिनेश राव के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वरमय टाइम्स, रायपुर।